दोस्तों, कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनका पढ़ाई करने का मन नहीं होता है और उन्हें पढ़ाई मन मार के करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने आ रहा हूँ, अगर आप लोग उसे ध्यान से सुनते हैं तो फिर इसके बाद आपको पढ़ाई मन मार के करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोग पढ़ाई को जुनून के साथ कर पाओगे। तो वीडियो पर बने रहिए, एंड वीडियो का अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको नींद आने लगती है, आपको आलस आने लगता है, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं होता है, अगर आपके साथ अक्सर ऐसा ही होता रहता है तो इसका मतलब है कि आपका पढ़ाई करने के पीछे का वाई स्ट्रांग नहीं है, आपका पढ़ाई करने का मकसद क्लियर नहीं है कि आपको पढ़ाई क्यों करना है। अगर आप लोग पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके पढ़ाई करने के पीछे का यही मेन मकसद है तो आपको हमेशा पढ़ाई करते टाइम नींद आती रहेगी, आलस आता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप लोग अपने पढ़ाई करने का खुद का एक मकसद बना लेते हैं, खुद का एक वाई क्लियर कर लेते हैं कि मुझे पढ़ाई इसलिए करना है ताकि मैं अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर सकूं, मैं डॉक्टर बन सकूं, मैं इंजीनियर बन सकूं, जिस दिन आप लोग अपने पढ़ाई करने के पीछे का वाई स्ट्रांग कर लेते हैं, आप लोग अपना मकसद क्लियर कर लेते हैं, उस दिन आपके अंदर खुद ब खुद एक मोटिवेशन आ जाएगा पढ़ाई करने के लिए, जो कि आपको पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेगा। फिर इसके बाद आपको पढ़ाई करते टाइम नींद नहीं आएगी, आपको आलस्य नहीं आएगा और ना ही आपके मन में ये विचार आएगा कि आप पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको पढ़ाई करने से पहले आपको अपना वाई क्लियर करना है कि आपको पढ़ाई क्यों करना है, आपको अपना मकसद क्लियर करना है कि आपका पढ़ाई करने के पीछे का मेन मकसद क्या है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।